हरियाणा में भी इस यात्रा की शुरुआत की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा की फरीदाबाद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी शुरुआत की। फतेहपुर बिल्लोच गांव पहुंचे थे मुख्यमंत्री और वहां से उन्होंने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। गुरुग्राम जिले का भी जिक्र हुआ और अलग अलग जगहों पर मंत्रियों ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। गुरुग्राम के सेक्टर 29 में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सेक्टर 29 और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अलीपुर में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम को लेकर सभी जगहों पर लोगों में उत्साह नजर आया। लेकिन जब तक 2-5 मिनट की देरी है तो मैंने कहा मैं आपसे थोड़ी बात कर लेता हूं। अपना ये हरियाणा में जैसे पहले जन संवाद के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं 6 महीने से, और हमने अभी तक उसमें 1500 कार्यक्रम हरियाणा में किए हैं। कुल गांव 6,500 हैं, शहरों के वार्ड भी मिला लें तो ये 9,000 के आसपास बन जाते हैं। इसी बीच में जब ये हमको समाचार मिला कि अब ये कार्यक्रम केंद्र सरकार की ओर से और विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में शुरू हो रहा है, तो एक बहुत ही खुशी हमको हो गई कि जो हमारी अपनी बात थी अब प्रधानमंत्री जी के विषय भी साथ में जुड़ करके और इस यात्रा के रूप में हम शुरू करेंगे। और अब ये विकसित भारत जन संवाद यात्रा संकल्प यात्रा इस नाम से आज से हमने शुरू किया है कि हरियाणा में पिछले 9 साल में बल्कि 10 साल होने जा रहे हैं अब विकास के काम। इतना ही कह सकता हूं कि हमने पहले से डबल किए हैं। पिछला जो 10 साल का कार्यकाल था कांग्रेस सरकार का, उससे डबल हमने काम किए हैं। और दूसरी बात इतनी जोड़ता हूं, जितना खर्च वो करते थे उससे आधे खर्च में और हमने अपना काम पूरा किया है। क्यों? जो करप्शन नाम का जो घुण लगा हुआ था इसको हमने बखूबी दूर किया है, इसको भगाया है। करप्शन अब हरियाणा में नहीं होगी, क्राइम हरियाणा में नहीं होगा। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अर्थात जातिगत राजनीति करने वाले लोगों का अब हमने दूर का रास्ता बना दिया उनको। अब तो प्रधानमंत्री जी जैसे कहा है कि दो ही जातियां काम करेंगी, एक गरीब एक अमीर। हमारा अगर जातिगत काम करने का कोई मन में विचार आएगा भी सही तो गरीब के हित में काम हमको करना है। ये तो इसलिए अब हरियाणा हरियाणा एक हरियाणवी एक इस आधार पर आगे बढ़ेगा। और हरियाणा की जनता को तो हम कई बार सोचते हैं हमें क्यों काम करना चाहिए, तो उसका विचार एक ही मन में आता है कि हरियाणा की जनता 2,80,00,000 लोग अब ये केवल जनता नागरिक नहीं है, इसको मैं अपना परिवार मानता हूं। मेरे परिवार के 2,80,00,000 लोग हैं, तो अपने परिवार के लोगों के लिए तो काम हर कोई करता ही है ना।